YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में बात करेंगे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है, किधर मोमेंटम कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर और इंटरडे बेसिस पर किधर मोमेंटम हो सकता है, तो इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। देखिए ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है काफी पॉजिटिव है। डाउ जोन्स यहाँ देखिए 1.7% से ज्यादा अप है। हो सकता है क्लोजिंग जब हो तो ये नीचे आ सकता है कुछ, या पॉजिटिव भी अगर क्लोज देता है तो देखिए 1.67% है, मतलब 1.7% के आसपास है, तो काफी ज्यादा डाउ जोन्स पॉजिटिव है। अगर इसी तरह ये अपने हाई के आसपास क्लोज देता है यहाँ पर, तो कल निफ्टी भी हमारा गैप अप ओपन होगा, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव होता है तो निफ्टी भी वहां पर ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट के अनुसार पॉजिटिव ओपन होता है, अक्सर हमने देखा है। अब देखिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी अभी भी उसी रेंज में फंसा हुआ है। जब तक हम 17,400 के ऊपर नहीं निकल जाते हैं निफ्टी हमारा मुख्य रूप से बुलिश नहीं होगा। अभी हम इसी रेंज में हैं और नीचे का जो रेंज है देखिए वो है 16,900 और ऊपर का जो रेंज है 17,400। तो किसी और हम इस रेंज को ब्रेक करते हैं, ऊपर ब्रेक करते हैं तो निश्चित रूप से निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, और नीचे अगर ब्रेक करते हैं तो फिर बेयरिश हो जाएंगे। अभी निफ्टी जो है वो इस रेंज के ऊपरी लेवल पे है, तो हो सकता है यहाँ से एक मोमेंटम देखने मिले कल हमें। फिर हम 15 मिनट के चार्ट पर डिस्कस करेंगे, आज जो मोमेंटम हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं पहले। तो देखिए बैंक निफ्टी भी यहाँ पर रेंज में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी का ऊपर का जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 37,000 के ऊपर डेली चार्ट पर क्लोजिंग होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर 37,000 के लेवल को ब्रेक करके आसानी से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। वहीं जो नीचे का लेवल है 36,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो यह बेयरिश हो जाएगा। तो ये अभी रेंज में है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। वहीं अगर 15 मिनट के चार्ट पर बात करें तो निफ्टी देखिए आज काफी बेहतरीन यहाँ पर मोमेंटम दिखाया और काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया, लेकिन लास्ट हाफ आवर में यहाँ पर निफ्टी जो है काफी ज्यादा यहाँ पर बेरिश हो गया। देखिए ये कैंडल जो बना है ये बेरिश मोरवोज कैंडल है, इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर निकालना निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक निफ्टी 300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है और 300 ऊपर सस्टेन करने के बाद 320 को क्रॉस करता है तब फिर हमें निफ्टी में मोमेंटम देखने मिलेगा, क्योंकि इसी लेवल से कई बार निफ्टी यहाँ पर सेल किया है, मतलब सेलर्स यहाँ पर काफी बार आया और निफ्टी को नीचे ड्रैग किया है। तो ये लेवल्स जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो हाई है इसको अगर कल क्रॉस करके निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो निश्चित रूप से निफ्टी जो है बुलिश हो जाएगा यहाँ पर। वहीं अगर हम यहाँ पर फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करते हैं जो कि है 200 का लेवल, तो फिर हम 17,100 के लेवल तक आ सकते हैं। तो 17,100 लेवल जो कि यहाँ पर डिमांड जोन है, तो यहाँ तक निफ्टी आ सकता है कब, जब फ्लैट ओपन होगा और 200 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप हो जाते हैं तो फिर हम वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे, उसके अनुसार वहाँ पर डिसीजन लेंगे डेली चार्ट पर कि किस तरह का मोमेंटम हो सकता है। जबकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिर चुका था लास्ट आवर में, लेकिन बैंक निफ्टी अपने हाइयर लेवल पे क्लोजिंग दिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर का जो लेवल है 36,500 से 36,600, 36,500 से 36,600 का जो लेवल है ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक हम 36,500 से 600 के ऊपर निकल नहीं जाते हैं, 36,600 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल अच्छे से क्लोज होना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। वहीं अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है 36,250 तो फिर यहाँ पर हमें 36,000 का लेवल फिर से देखने मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बहुत ही ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन होने के बाद आप प्राइस एक्शन के अनुसार निर्णय लेंगे तो अगर आप ट्रेड करते हैं। तो ये जो व्यू मैंने बताया ये तब काम करेगा, ये सारे लेवल्स जब हम इसी लेवल के आसपास क्लोज होते हैं जो आज का क्लोजिंग है, जैसे 36,400 के या 500 के आसपास हम ओपन होते हैं तो फिर ऊपर के लेवल ब्रेक करेंगे तो ऊपर मोमेंटम मिलेगा, नीचे के लेवल को ब्रेक करेंगे तो नीचे अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिलेगा। अब देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं कल। देखिए बजाज फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेयरिश मोड में है, तो अगर ये यहाँ पर लेवल ब्रेक करता है 6,700 के लेवल को तो आप इसको सेल कर सकते हैं, और यहाँ पर 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है या 1:2 का, और यहाँ पर मैक्सिमम आप जो टारगेट रख सकते हैं वो है यहाँ पर 6,625 का। यहाँ तक मैक्सिमम ये स्टॉक्स यहाँ पर आपको डेली
बेसिस पर मोमेंटम कर सकता है। उसके बाद दूसरा स्टॉक जिसको आप सेल कर सकते हैं, देखिए सेल वाले स्टॉक बता रहे हैं, फिर बाइंग वाले स्टॉक्स बताएं। अगर मार्केट मान लीजिए निगेटिव होता है, मतलब डाउन ट्रेंड में दिख रहता है कल मार्केट, तो आप इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे मार्केट के ट्रेंड के साथ, मतलब निफ्टी का जो ट्रेंड होगा उसी के अनुसार आपको ट्रेड करना है। तो आप देखिए दूसरा है डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी भी आप देखिए बेहतरीन कैंडल दिखाया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कैंडल है, तो आप इस स्टॉक को भी सेल कर सकते हैं जब ये 4100 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो 4100 के लेवल को ब्रेक करने पर आप इसको सेल कर सकते हैं। 1:1 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखना है। मैक्सिमम टारगेट्स में जो आपको रखना है वो है मतलब 4100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट आप लेके चल सकते हैं मैक्सिमम, और ये टारगेट आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं। आप देखिए हम वो अब हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिसको आप बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट कल हमारा अप ट्रेंड में रहता है तो आप जो स्टॉक बाय कर सकते हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर ये 2250 के ऊपर या कहें 2252 के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय करेंगे, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपको रखना है जस्ट आज के क्लोजिंग के नीचे रखना है। यहाँ पर अगर ये फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस लेवल को क्रॉस करता है 2251 को, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर 1:1, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगला है HDFC लाइफ जिसको आप बाय कर सकते हैं, काफी बेहतरीन इसका प्राइस पैटर्न बना है, तो आप HDFC लाइफ को बाय कर सकते। जब ये 580 रुपीज के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 1:1 और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है, तो काफी बेहतरीन ये भी स्टॉक्स है। 15 मिनट का कैंडल यूज कर सकते हैं, 5 मिनट का कैंडल यूज कर सकते हैं। जैसे इस लेवल को क्रॉस करता है 580 रुपीज का, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स है जिसमें आप कल ट्रेड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या व्यू होगा कल, ये भी मैंने विद प्रॉपर लेवल्स आपको बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह के बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।